कक्षा 10 की गणित का 3.4 का और दूसरा का पहला सवाल है, ठीक है ना। पहला सवाल ये कहता है कि यदि हम एक अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है जिसके अंश में एक जोड़ दें और या फिर एक घटा दें। चलो फिर इसे हल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा का 3.4 का तो हम लिखेंगे माना वह भिन्न क्या है। माना वह भिन्न भिन्न P/Q है, क्या है, P/Q है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंश P हो गया और हर Q हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहता है, यदि प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो आप लोग यहाँ पर P/Q की जगह X/Y भी कर सकते हैं, ठीक है ना, X/Y कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, P/Q और प्लस क्या कहता है, अगर से अंश में एक जोड़ दें, क्या कर दें, एक जोड़ दें और हर में एक क्या कर दें, हर में एक घटा दें, ठीक है, हर में एक घटा दिया हमने, तो किसके बराबर हो जाती है, हमको क्या मिलता है रिजल्ट, हमको रिजल्ट मिलता है एक, क्या मिलता है एक। मतलब इसको हल करेंगे तो एक आएगा, हम इससे हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, P+1 बराबर, अब Q-1 को इस साइड ले जाएंगे तो इसके साथ गुणा करेगा तो क्या होगा, Q-1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक को इस साइड ले आएंगे और क्यू को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी और क्यू इस साइड आ जाएगा तो -Q हो जाएगा, इस साइड प्लस में है और यहाँ पर -1 बचा, क्यू इस साइड आ गया, ठीक है। अब ये +1 इस साइड जाएगा तो 1-1 हो जाएगा, तो P-Q बराबर -1 -1 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण एक, ठीक है। अब इसके बाद पुनः कहता है कि यदि हम पुनः P/Q में आप कहता है दोबारा, यदि हर में केवल एक जोड़ दे, आप अंश में कुछ नहीं कह रहा हो ना, घटाने को कुछ ना जोड़ने को, अब क्या कहता है, केवल हर में जोड़ना है, तो यदि हम केवल हर में एक जोड़ दें, क्या कर दें, हर में एक जोड़ दें, तो हमको क्या मिलता है, 1/2 मिल जाता है। अब इसे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका Q+1 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस P, बस P बराबर और Q+1 और बटे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें P का मान निकल आया तो हम क्या कर देंगे, इसको समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर P के मान को समीकरण एक में रखने पर, किसमें, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या, हमारा P-Q बराबर -2 है, तो हम क्या करेंगे, इस पर इस पेज में लिखते हैं इसको, P-Q बराबर 2, अब P-Q = -2, ठीक है ना। अब P का मान कितना निकल आया है, Q+1/2 और ये -Q है बराबर -2, ठीक है। अब आप 2 इसके बटे में है, हम पूरे के बटे में करना है, मतलब इसके और इसके, तो हम यहाँ पर 1/2 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, Q+1, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 का इसमें भी गुणा हो जाएगा तो -2Q हो जाएगा, ठीक है, बराबर -2। अब इस 2 का इस साइड गुणा कर देंगे और यहाँ पर देखो -2Q है और यहाँ पर +Q है तो -2Q में एक क्यू घट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल -Q बस बचेगा और +1 बचेगा, ठीक है। ये इसका तो कुछ नहीं हुआ तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो अब -Q+1 बराबर, यहीं पर लिखता है 2×2=4, ठीक है ना, और ये माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर -4 है और ये +1 है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको +1 को इस साइड ला सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -Q बराबर -4 और ये -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, ठीक है।
तब 4 और माइनस 1 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बराबर माइनस 5। ये माइनस और माइनस है, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस को जाएंगे, तो क्यू बराबर 5। ये हमारा क्यू का मान निकल आया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस गुणा माइनस करो तो क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस से इसमें भी गुणा कर दिया और माइनस से इसमें भी गुणा कर दिया, तो दोनों प्लस हो गए। अब क्यू के मान को किसमें रखने पर, समीकरण 2 पर, क्यू के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था हमारा, समीकरण 2 था हमारा पी बराबर क्यू प्लस एक बटे दो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी बराबर क्यू प्लस एक बटे दो, हमारे समीकरण 2 था। अब हमें क्यू का मान कितना निकल आया है, प्लस 5, तो पी बराबर क्यू के बदले हम 5 रख देंगे और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, क्यू का मान हमारा 5 निकल आया है, यहाँ पर ये निकला है क्यू बराबर 5। ठीक है, या पी बराबर 6 बटे 2, तो 2 × 3 = 6 कट जाएगा, ये तो हो जाएगा पी बराबर 3। ओके, तो हम लिखेंगे अतः वह भिन्न पी बटे क्यू, अर्थात पी का मान कितना निकाला, 3, और क्यू का निकला था 5, तो 3/5 है।